पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा सहित अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय का नारा दिया था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। अंत्योदय का मतलब अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आम आदमी को समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय के नारे को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून लाकर बेरोजगारों को सम्मान दिया और 30% आरक्षण देकर महिलाओं को नौकरी का अधिकार दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी की जन्मतिथि है, जन्म जयंती है। आज सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उनकी मूर्ति को साफ किया है, फिर माल्यार्पण किया है और उनको नमन किया है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। पंडित हमारे दीनदयाल जी का नारा था अंत्योदय। अंत्योदय के नारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जिस काम को करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना योगदान दिया और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए पंडित हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के नारे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर देने का हमारी सरकार ने काम किया, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, कोरोना काल में फ्री में वैक्सीन देने का काम किया, कोरोना काल से अब तक उनको फ्री में राशन देने का काम किया गया।